नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र। महेंद्र आर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बनाने वाले हैं थर्मोकोल से द्वारकाधीश जी का मंदिर, वो भी 4x5 फीट का। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द हम ये वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द्वारकाधीश थर्मोकोल मेकिंग वीडियो देखने से पहले आइए जानते हैं द्वारका के कुछ रहस्य के बारे में। जय द्वारकाधीश। दोस्तों, ये है गोमती घाट। गोमती नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। दोस्तों, गोमती घाट पे स्नान करने के बाद ही द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर लोग चावल दान करते हैं, मछलियों को दाना और आटे की गोलियाँ खिलाते हैं। उसके अलावा उनकी मन्नत के लिए पानी में सिक्के डालते हैं। कहा जाता है कि द्वारकाधीश जी के दर्शन गोमती घाट में नहा के ही वस्त्र बदल के किए जाते हैं, वरना आपकी पूजा सफल नहीं होती। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे रहस्य के बारे में, एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसने अमेरिका तक को हिला के रख दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के द्वारकाधीश के मंदिर की, जहाँ पर हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 धामों में से ये एक माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की राजधानी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मंदिर की ध्वजा हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लहराती है और ये हवा के हमेशा विपरीत होती है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं द्वारकाधीश जी के ध्वजा के अनोखी और हैरान करने वाली बातें। दोस्तों, पहली बात यह है कि द्वारकाधीश जी के मंदिर पर लगी ध्वजा को 1 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। दोस्तों, ये ध्वज 52 गज का होता है। 52 गज के ध्वज को लेकर के यह कथाएं है कि 56 प्रकार के यादवों ने यहाँ पर शासन किया। इन सभी के अपने भवन थे। दोस्तों, इनमें 4 भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध जी और प्रद्युमन देव रूप होने से मंदिर बने हुए हैं। बाकी 52 प्रकार के यादवों के प्रतीक में यहाँ पर 52 गज का ध्वज लहराया जाता है। दूसरी बात यह है दोस्तों, इस ध्वजा पर हमेशा सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह रहता है। मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा पर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह बना होता है। सूर्य और चंद्र श्री कृष्ण के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनके मंदिर पर शिखर पर सूर्य के चिन्ह लहराते हैं। दूसरी बात आपको बताए जो कि है, दिन में यहाँ 3 बार ध्वज बदला जाता है। दोस्तों, 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को यह बदला जाता है। मंदिर पर ध्वज उतारने और चढ़ाने का अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है। हर बार अलग अलग रंग का ध्वज मंदिर पर लहराया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों, चौथा रहस्य ये है कि द्वारकाधीश के मंदिर पर 7 रंग के ही ध्वज क्यों लगाए जाते हैं। 7 रंगों का ही ध्वज क्यों लगाया जाता है? दोस्तों, एक श्लोक है, मेघ श्यामम पीद कोशे वसम श्रीवस सांग कौशु सीतांगम पुण्यो पता पुंडियात काच विष्णु वंदे सर्वलोक नाथम। इसका अर्थ है कि मेघ के समान रंग वाले पीले जैसे पीताम्बर धारण किए है श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जिस कारण इसे लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद और भगवा गुलाबी मेघधनुष, ये रंग इसमें शामिल है। अंतिम रहस्य ये है कि दोस्तों, इसमें रंगों का मतलब होता क्या है? लाल रंग का जो अर्थ है वो ये होता है, स्फूर्ति, पराक्रम, धनवान, विपुल संपत्ति। और हरे रंग का महत्व आध्यात्मिक प्रेरणा से माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। नीला रंग पौरुष का प्रतीक, सफ़ेद रंग पवित्र और शांति का, भगवा रंग साहस, निडरता और प्रगति का द्योतक माना जाता है। गुलाबी रंग मनुष्य के स्वभाव को गुलाब के जैसा बनाने का सूचक है और मनुष्य को भी ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, इसका जो ध्वजा का रहस्य है, बस आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। ये जानने के लिए कई वैज्ञानिक आए और चले गए, लेकिन उसका जो रहस्य है नहीं पता लगा पाए। दोस्तों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्मों में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर है, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अन्नद्वीप और वाणीदुर के नाम से जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के होने के कारण ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु अब यह सवाल उठता है कि
श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमंद हो गई। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण भगवान की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण और यदवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके हत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल राज करने के बाद और श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी दो कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। तो दोस्तों, यह रहस्य था भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की बड़ी पटरानी रुक्मणी जी का। दोस्तों, द्वारकाधीश के दर्शन के बाद बेट द्वारका जाते समय बीच में रास्ते में आता है ये माँ रुक्मणी जी का मंदिर। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद रुक्मणी जी के दर्शन करें वरना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। हाँ तो दोस्तों, ये है रुक्मणी जी का मंदिर। द्वारका से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जलदान की प्रथा है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ पे खारा पानी ही मिलता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे टैंकर द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। यहाँ पे प्रसाद के रूप में जल प्रदान किया जाता है। रुक्मणी जी भगवान द्वारकाधीश की बड़ी पटरानी है, फिर भी उनका मंदिर अलग है। तो इसके पीछे रीजन ये है, रुक्मणी देवी राजा भीष्मक की कन्या, महाराष्ट्र बेदर्भ प्राण, अमरावती शहर कौंडलपुर करके गांव, और भीष्मक राजा की इस कन्या का भगवान कृष्ण हरण करके रुक्मणी रानी को इस द्वारिका नगरी में लेके आए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रुक्मणी देवी के साथ भगवान श्री द्वारकाधीश ने शादी के फेरे लिए और रुक्मणी माँ को बना दिया सोने की द्वारका की महारानी। जब शादी संपन्न हो गई तो द्वारिका नगरी से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम आया हुआ है और वो छोटे से गाँव का नाम है पिंडारा। ये द्वारिकानाथ और रानी रुक्मणी सज धज के अपने रथ में विराजमान होकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे पिंडारा गांव गए और हाथ जोड़कर दुर्वासा महाराज को अपनी सोने की द्वारका में भगवान कृष्ण ने और रुक्मणी जी ने भोजन का न्योता दिया। कृष्ण भगवान और रानी रुक्मणी के न्योते को नहीं ठुकराते दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं द्वारका चलूँगा और रुक्मणी आपके घर भोजन भी पाऊँगा, मगर मैं हूँ अग्निकुल का तपस्वी ब्राह्मण। जिस वाहन के ऊपर जो घोड़े बेल लगाते हैं उस पर मैं कभी सवारी नहीं करता। अगर आपको अपनी सोने की द्वारिका में मुझे भोजन प्रसाद कराना है, आपके रथ के अंदर मुझे विराजमान करवाना है, तो पहला काम आप ये करो, ये अश्व घोड़े को हटा लो और उसकी जगह आप पति पत्नी आप स्वयं अपने हाथों से ये रथ को खींच के अपने सोने की द्वारका में ले चलो, मैं आपके घर भोजन करने के लिए तैयार हूँ। दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का भगवान द्वारिकानाथ ने पालन किया। एक साइड में द्वारिकानाथ और दूसरी साइड पे रुक्मणी रानी। पति पत्नी ने जब अपने हाथों से ये रथ को खींचना शुरू किया, रथ धीरे धीरे द्वारिका नगरी की ओर पहुंचने लगा। करीब आधा रास्ता पार हुआ और रथ खींचने की वजह से रानी रुक्मणी देवी को जल पानी पाने की प्यास लगती है। वो भगवान द्वारिकानाथ को कहती है, हे अन्नदाता, अब मेरे से रथ नहीं खींचा जा रहा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और मेरा कंठ व्याकुल है, मुझे जल की प्यास लगी है, परमात्मा आप हमें जल पिलाए। रथ को बीच में रोक दिया। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भूमि में दबाकर भगवान कृष्ण ने माता गंगे को भूमि से प्रकट किया और रुक्मणी जी को गंगा जल पिलाकर उनकी सारी प्यास बुझा दी। दोस्तों, ये जगह द्वारिका नगरी से करीबन 23 किलोमीटर टू पुणी करके छोटा सा गाँव भगवान श्री कृष्ण ने निकाली चरण गंगा आज भी मौजूद है। जैसे गंगा मैया बाहर आई, माँ रुक्मणी प्यासी थी, जल पिया, ये देखकर भगवान द्वारिकाधीश ने जल पिया और दोनों की प्यास बुझ गई, दोनों के कलेजे में ठंडक लग गई। लेकिन जल्दबाजी में ये भगवान द्वारिकानाथ ये रुक्मणी देवी से गलती ये हो गई, रथ में विराजमान महामुनि दुर्वासा ऋषि को पानी के लिए पूछना चाहिए, महाराज आपको जल प्रसाद पीना है कि नहीं, दुर्वासा महाराज को नहीं पूछा।
दुर्वासा ऋषि है वो क्रोधी ऋषि है। उनको गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी को श्राप दे दिया कि देवी, आपने क्या समझकर ब्राह्मण को घर भोजन के लिए बुलाया। रुक्मिणी, तुमने ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया, जल पानी का आग्रह नहीं किया, अपने ऋषि कुल का गुरुकुल का अपराध किया है। देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ। पहले नंबर का श्राप माँ रुक्मिणी को दिया कि तुम भगवान द्वारिका नाथ को इतना प्यार करती हो, इतना चाहती हो, मेरा श्राप रहेगा आपकी द्वारिका नगरी में आपका और द्वारिकाधीश का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो भगवान के वियोग में ये पवित्र भूमि के जहाँ पर ये रुक्मिणी जी का मंदिर है वहाँ पे 12 साल तप किया, इसके फलस्वरूप ठाकुर जी का मंदिर गांव में है और रुक्मिणी जी बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। दोस्तों, ऑल इंडिया में देवी रुक्मिणी जी के 2 मंदिर आए हुए हैं, एक यहाँ द्वारका में है और दूसरा महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर में आया हुआ है। विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भगवान का परपोता राजा वज्र नाम ने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण किया है। दूसरा श्राप भगवान द्वारिका नाथ को दिया, मेरी आज्ञा के बिना आपने गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मिणी देवी को आपने गंगा जल पिलाया, हे द्वारिका के नाथ, मैं आपकी द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ कि आपकी द्वारिका नगरी कली काल में सोने की द्वारिका होगी, 4 धाम सातपुरी में प्रमुख द्वारिका होगी। आपकी द्वारिका नगरी में आने वाले हर यात्री को यह तन की मन की शांति मिलेगी, मरने के बाद उस आत्मा को यह मोक्ष गति प्राप्त होगी, इसलिए द्वारिका नगरी को मोक्षपुरी धाम भी कहा जाता है। मगर मेरा श्राप रहेगा, आपकी द्वारिका नगरी में आजीवन कभी पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा, आपकी भूमिका का पानी हमेशा के लिए नमकीन वाला खारा पानी बन जाएगा। आज भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ पर ये द्वारिका नगरी में कुएं से या हेडपंप से सभी जगह से समुद्र महाराज का खारा नमकीन पानी ही मिलता है। 12 साल परिपूर्ण हुआ। भगवान द्वारिका नाथ और माता रुक्मिणी देवी ने दुर्वासा महाराज की पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने जैसे श्राप दिया था वैसे ही दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया कि जो यात्री यात्रा के नाम से द्वारिका नगरी में आएंगे, भगवान द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके चाहे कितना भी दान धर्म करके अपने घर चले जाए तो उन यात्रियों की आधी यात्रा होगी। माता रुक्मिणी जी को दुर्वासा ऋषि ने आधी यात्रा की मालकिन बनाया। माँ रुक्मिणी के दर्शन करने से ही द्वारका की यात्रा परिपूर्ण होती है और यहाँ आने वाले यात्री माँ रुक्मिणी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद प्रसाद में जल का प्रसाद लेते हैं और यह जल प्रसाद पानी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से ट्रक टैंकर के माध्यम से लाया जाता है। उसके 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा पानी का प्याऊ के लिए जाता है, आने वाले यात्री माता का प्रसाद समझकर पानी पीते हैं। दूसरा हिस्सा गौ माता के लिए जाता है। तीसरा हिस्सा ये गेट के बाहर जहाँ साधुओं भिक्षावृत्ति करने बैठते हैं उनके लिए जाता है। चौथा और आखिरी हिस्सा देवी माँ रुक्मिणी जी का सुबह में अभिषेक होता है। दोपहर को 12 बजे माता को जो महाभोग नैरुद्ध लगता है इसके अंदर इस जल का उपयोग होता है। दोस्तों, हम जा रहे हैं द्वारका से 35 किलोमीटर दूर ओखा से बेट द्वारका। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में राज करने वाले भगवान श्री कृष्ण उनके परिवार के साथ यहाँ बेट द्वारका में ही रहते थे और वहाँ पे चावल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब सुदामा आए थे उनकी कृष्ण भगवान से भेंट हुई थी तब सुदामा जी उनके लिए चावल लाए थे और वो भगवान द्वारिका नाथ को चावल देने से हिचकिचा रहे थे और कृष्ण भगवान ने झपट के चावल ले लिए और सुदामा जी को गले लगाया और भगवान ने चावल ग्रहण किया, इसलिए वहाँ चावल चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, ये है ओखा बोट। दोस्तों, बेट द्वारका की जो जर्नी है वो नीले समुद्र से होकर जाती है। और यहाँ से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है और इस यात्रा को आप नाव, फेरी या किश्ती में बैठकर इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमेशा आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि पूरी कंट्री से कोने कोने से लोग यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, 5 किलोमीटर की ये नीले समुद्र की जर्नी है, बहुत ही शानदार और मनमोहक है।
तो दोस्तों आप भी इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं अगर आप बेट द्वारका आए तो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय द्वारकाधीश। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि थर्मोकोल से हम द्वारकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने वाले हैं, महिंद्रा आर्ट चैनल पे डालने वाले हैं, वो भी 4x5 फीट का। अगर दोस्तों ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय द्वारकाधीश।